संसद भवन में घुसपैठ और सांसदों के निलंबन मामले में शुक्रवार को केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। दोपहर वाहन रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे कांग्रेस पदाधिकारियों ने नारेबाजी कर सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में संसद भवन में घुसपैठ के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराते हुए गृह मंत्री को बर्खास्त करने सहित घुसपैठियों को पास उपलब्ध कराने वाले भाजपा सांसद के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। जिलाध्यक्ष रवि नाइक, भिकनगांव विधायक केदार डावर, पूर्व विधायक रवि जोशी सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष नाइक ने कहा कि जिन लोगों ने घुसपैठियों को पास दिया वे संसद के अंदर बैठे हैं और जो लोग इस लोकतंत्र के मंदिर में गलत मंशा लेकर घुसे उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि घुसपैठिए अपने साथ जो स्मोक गैस लेकर गए थे वह जहरीली भी हो सकती थी, जिससे बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रचंड बहुमत वाली भाजपा सरकार विपक्ष के सवालों से घबरा कर या तो जवाब देने से बचती है या सांसदों को संसद से बाहर करवा देती है। यह सरकार के तानाशाही और अहंकार को दर्शाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बम फोड़ने वाला अंदर है, पूछने वाला है। देश की केंद्र सरकार अहंकारी हो गई है, तानाशाही रवैया अपना रही है। देश की संसद में स्मोक बम चल गया। बीजेपी के सांसद ने जिसने उन लोगों को संसद भवन में प्रवेश दिलाया उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। देश की सुरक्षा, संसद की सुरक्षा में यह गंभीर चूक है, जिसकी जवाबदारी है देश के गृह मंत्री की, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। उल्टा विपक्ष जब अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और सरकार से सवाल पूछ रहा है तो विपक्ष के सांसदों को सरकार षड्यंत्र पूर्वक संसद से निलंबित कर रही है। इसी को लेकर के जब संसद में जवाब नहीं दिया जा रहा तो विपक्ष सड़कों पे उतर करके इस बात को ले जा रहा है। क्योंकि अगर मान लो, कल्पना करिए कि अगर वो गैस जहरीली होती तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता। ये सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है, विपक्ष उठा रहा है, लेकिन सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, कोई जवाब नहीं दे रही। इसी को लेकर के आज हमने ज्ञापन दिया, पूरे देश भर में यह आंदोलन चालू। रवि नाइक, अध्यक्ष जिला कांग्रेस, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।